नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हमारे साथ आज वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं अफजल जी, जुड़ेंगे आज और वार्ड में इनका कितना सरोकार है, इनसे बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी, आपके वार्ड के अंदर पहले तो बताइए कि आपके कार्यकाल के बाद में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मुख्य रूप से आपने करवाए हैं? वार्ड नंबर 5 में हमारे मुख्य कार्य ये हैं कि सीसी रोड जो 18 लाख की लागत से बन चुकी है और जो 25 सालों से पार्क का निर्माण नहीं हुआ था, 32 लाख का वो पार्क बनना चालू हो गया है। 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर वो बन जाएगा। 2 कारपेट रोड जो 14 लाख की सरगोती हुई वो इस टाइम बन चुकी है और 18 लाख का नालियों का कार्य पूर्ण सरकार से पूरा हो चुका है। 1 इंटरलॉकिंग का 13.5 लाख का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है। जो आज तक 25 सालों की खड़बंजा सड़कें पड़ी थी वो हमने पहली शुरुआत ही उन्हीं से की, उन्होंने इंटरलॉकिंग का काम कराया, दोनों सड़कें निश्चित रूप से करवाई और मदरसा में हमने इंटरलॉकिंग लगवाई। इधर कटेवा प्रवन सामने में दरगाह है, वहाँ 7 लाख की इंटरलॉकिंग लगाई और अभी 13-15 लाख का कार्य वहाँ दीवार का मंजूर हो चुका है, जो कुछ दिनों में लॉकडाउन के बाद वो चालू हो जाएगा। तो क्योंकि बाढ़ पार्षद होता है, जब जीतता है सभी जो है वोट तो नहीं देते हैं, कुछ विरोधी को भी देते हैं, कुछ जो है पक्ष में देते हैं, लेकिन बाढ़ पार्षद पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है। काम कितने ही करवाए लेकिन फिर भी जो है प्रत्यारोप, उस पर आरोप भी लगते हैं। आप पर कोई आरोप लगाया अभी तक? हाँ जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे वार्ड नंबर 5 में कुछ लोगों द्वारा ओछी और विरोधी राजनीति की जा रही है। ये बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 5 में विकास ही नहीं हुआ, 0 अंडा हुआ है। वार्ड 5 में 25 सालों से विकास हुआ ही नहीं। 25 सालों के प्रतिनिधि भी इन्हीं और ओछी राजनीति वालों के पार्षद रह चुके हैं और 1.5 साल में तो सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है पार्षद बने हुए और हमने 1,27,00,000 के कार्य हो चुके हैं मेरे वार्ड में। नहीं तो हो सकता है कि जो आरोप लगा रहे हों उनके एरिया में कुछ काम बाकी हो, क्योंकि पार्षद को जीतने के बाद तो सबके लिए पार्षद बन जाता है, चाहे वोट दिया चाहे नहीं दिया, वो जीतने के बाद तो सभी का पार्षद होता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है उनके जो आरोप लगा रहे होंगे लोग उनके एरिया के अंदर कुछ काम बाकी हो? आपका कार्यकाल अभी बहुत पड़ा है, वैसे आगे भी काम? नहीं, ऐसी कोई हमारी संभावना नहीं है अभी किस एरिया को छोड़ना और किसको करवाना है। ये तो नियम रूप से हम कर रहे हैं, ना तो कोई राजनीति ओछी कर रहे हैं और ना ही किसी से कोई हमारे कोई है रंजिश है अभी इसकी गली में करवाना इसके नहीं करवाना। ये तो आज वर्क ऑर्डर इस गली के हो गए, 2 मिनट हर और गली के हो सकते हैं, ये नहीं है कि आज ही कराएं। आज ऐसा तो है नहीं भी अपने पानी डाल दिए और चावल रख दिए और बन गए। ये है नगर पालिका का काम है, टाइम तो लगता ही है, आने वाले दिनों में उनका भी कार्य होगा। अभी तो 3.5 साल पड़े हमारे, काम होगा, नियम रूप से सारे गलियों का विकास होगा। हम ऐसी कोई गली नहीं छोड़ना चाहते भी जिसका विकास ना हो और हमारे सभापति जी ऐसे हैं जिन्होंने हमें नियम रूप से कह रखा है भी जो भी कार्य चाहिए हमें लिख के दो, हम करवाएंगे। लेकिन आगे भी कोई टाइम लगता है ये तो है नहीं भी आज दिया और कल हो गया। सभापति हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं, हर कार्य को अपनी देखभाल में करवा रहे हैं, कोई भी काम में ढील नहीं बरत रहे, पूरा सहयोग दे रहे हैं। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं जिसमें वो काम नहीं करवा रहे कोई रंजिश। आपके वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था का क्या हालात रहते हैं, कैसे आप करवाते हो? आपने कोई सर्वे किया कभी सफाई व्यवस्था सही हो रही कि नहीं? हाँ, मेरे वार्ड में मैं 7 दिन बाद नालियों को बुला के देख आता हूँ, खुद देखता हूँ ऐसी कोई नाली है, क्योंकि 25 सालों से नाली बनी नहीं थी तो पानी तो ओवरफ्लो रहेगा। अब तकरीबन आधे वार्ड की नालियाँ बन चुकी हैं और कोई आधा वार्ड ऐसा रहा है जिसकी नाली नहीं बनी। आने दिनों में हम वो भी कार्य पूरा करवाएंगे। अभी 13 लाख का मेरा कार्य नालियों का लगा है, उसका चालू करने में भी 2 महीने लगेंगे वर्क ऑर्डर में, वो चालू हो जाएगा। कोई नाली ऐसी नहीं रही जी कच्ची रहेगी, आने वाले दिनों में लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने एक सड़क बन रही है गंगानगर रोड, पानी इस पर रुकता था, आपको भी पता होगा क्योंकि लंबे समय से आप रह रहे हैं। अब सड़क बन रही है और उसके लेवल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, पीछे जो है एरिया टेम्पो स्टैंड वालों ने उठाया कि लेवल इसका सही होना चाहिए, क्या आपने कोई देखा प्रयास किया जाके वहाँ? हाँ, मैं भी कल गया था, जहाँ कोई कमी दिखी थी वहाँ जी एन साहब वालों ने करके वहाँ सही करवा दिया है। जिन्होंने उनको लेवल नीचा दिखा उनमें दोबारा मार डलवा के उसको बिल्कुल सही कर दिया है, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे भी। कल को कोई सड़क की खराब हो या कोई पानी रुके ऐसा कुछ नहीं होगा। एक आपके सड़क के बीच में इधर जो है वो सड़क को पुल बनाया है, क्या इधर से कोई पानी निकासी की योजना है, क्या काम चल रहा है वो? ये इधर है वाड़ों का पानी जो आता है ना, इधर नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने पहले सीधे नाले से ज़्यादा था, इन्होंने पुल बना दिया, अभी आधा पानी पुल के नीचे से निकले और पानी की ओवरफ्लो ना हो और दुकानों में ना जाए या घरों में ना जाए।
तो क्या इस बाढ़ की निकासी पानी निकासी में सुविधा होगी उससे? हाँ, इसमें फुल सुविधा मिलेगी, क्योंकि आगे पानी जाएगा नालियों में, डबल नाले में जाएगा तो पानी अपने आप ही सीधा जाएगा। कोरोना काल चल रहा है पार्षद जी, कोरोना काल के अंदर आपके बाढ़ के अंदर पहले तो बताएं क्या हालात हैं, क्या सही है और आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम है, वार्डवासी आपका पूरे लॉकडाउन का पालना कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, जो खेतीबाड़ी का मजदूर है वो ही जाता है, बाकी तकरीबन घर हैं अपने अपने, मास्क लगा रहे हैं। नगर पालिका अभी हमने एक जागरूक रैली निकाली थी जिसका पूरा पालना किया गया लोगों ने, जिसमें जागरूक रैली के लोगों को मास्क वगैरह और इन वितरण करने से वो कर दिए, पैम्पलेट बांटे गए, सफाई का अभियान चलाया गया वो हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर, तो जब कोई पार्षद काम करता है उस पर आरोप भी लगते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर ये तो मलाल नहीं है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो कोई राजनीति है जो और है, ये तो चलता रहता है, लेकिन आप अपील क्या करेंगे आपके बाढ़वासियों को? जैसे आपने विकास के काम गिनाए हैं, अभी आगे आने वाले भी आपने जो है बताया कि आने वाले समय में कराऊंगा, क्या कहेंगे लोगों को? मैं तो यही अपील करूंगा भी, सब्र का फल मीठा होता है, अभी 3.5 साल पड़े हैं, हर काम होगा, हमारा तो प्रयास यही रहेगा, अभी हमारे हाथ में जितना भी काम आएगा हम हर वार्ड में हर गली में करवाएंगे। यही सिवरेज का हमने घर घर के सिवरेज कनेक्शन जुड़वा दिए, कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसमें कोई रह गया होगा तो अभी जुड़वा देंगे, आने वाले दिनों में टेंडर लगेगा उसको जुड़वा देंगे। वार्ड नंबर 5 में आपके निर्माण के कौन कौन से कार्य हुए हैं, आपने भी देखा होगा हुआ है? बहुत कुछ हुआ है जी, नालियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं, चौके लगे हैं, सभी कार्य हो रहे हैं और सीवरेज के कनेक्शन भी हुए हैं घर घर के सभी के। सफाई व्यवस्था किस प्रकार वार्ड पार्षद करवाते हैं आप? बहुत बढ़िया करवाते हैं, जो काम भी होता है पार्षद को बोलते हैं, टाइमो टाइम करवा रहे हैं जी, कोई कार्य नहीं छोड़ रहे, बढ़िया काम करवा रहे हैं। आपके गली में आपके मोहल्ले में कोई ऐसा कोई है काम जो अभी बकाया होना बाकी हो? अभी तक तो कोई नहीं है, जो है वो करवाएंगे, ऊपर से लॉकडाउन आ गया, जो है वो करवाएंगे। पार्षद साहब का यही कहना है कि कोई गली नहीं छोड़ूंगा, कोई जगह नहीं छोड़ूंगा, सभी काम करवाऊंगा। क्या पार्षद वोट मांग रहे थे उस टाइम तो घर घर आते हैं, अब भी कोई हाल चाल पूछने आते हैं क्या? हाँ जी, सभी कुछ पूछते हैं, बहुत बढ़िया पार्षद हैं। वो कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 5 के अंदर जो काम शेष रह गए हैं उनको मैं करवाऊंगा, समय अभी बहुत पड़ा है और राजनीति से उठकर जो है मैं काम करूंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी पार्षद महोदय के द्वारा जो आगामी उनके मन के अंदर सपने हैं, मन के अंदर जो ललक है, काम करने की इच्छा शक्ति है, उसको वो किस प्रकार आगे बढ़कर काम करवाकर अपने वार्ड के अंदर प्रत्येक गली का काम, नाली का हो, सफाई का हो, चाहे सड़क का हो, करवाते, देखने की बड़ी बात आगे यही होगी। कलब न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।